नमस्कार। कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। कभी भी बच्चों किसी भी नंबर, ये बहुत आसान है। कभी भी मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2965, तो आपको देखना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका सिर्फ यूनिट प्लेस उठाएंगे, इसका सिर्फ यूनिट प्लेस उठाएंगे और इसका यूनिट प्लेस है 5। तो आप देखेंगे कि क्या यह 5 या 0 है। यदि है तो यह पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आप देखते हैं 5 का जो पहाड़ है वो ऐसे ही चलता है ना। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 6 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो आप देख रहे हैं 5 के पहाड़े में, 5 के टेबल में 5 0 5 0 5 0 5 0 ही आता है हमेशा। तो इसका मतलब कभी भी कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर हो, आपको देखना है उसकी डिविजिबिलिटी बाय 5, तो आप क्या देखेंगे उसके यूनिट प्लेस पे 5 या 0 है या नहीं। तो आप इसी हिसाब से देखिए, एक नंबर है 36964, क्या यह 5 से डिविजिबल है? तो देखिए इसका यूनिट प्लेस है 4, यह 5 या 0 नहीं है, इसलिए यह 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यह 5 से डिविजिबल है, इसका यूनिट प्लेस, इसलिए 5 से डिविजिबल होगा। और एक नंबर देख लीजिए 37940, देखिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है, इसलिए हमने कहा था अगर 5 या 0 होगा तो यह 5 से डिविजिबल, जो ये पूरा नंबर, सिर्फ ये नहीं, ये पूरा ही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और नंबर बड़े से बड़ा देख लीजिए 177849325, हमें देखना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस 5 है, इसका मतलब यह है पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो कभी भी आपको 5 का डिविजिबिलिटी, ये तो बहुत ही आसान है, बस आपने देखना है उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 या 0 लिखा है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 के पहाड़े में आता है। यदि यूनिट प्लेस पर 4 6 2 1 कुछ और लिखा है, 5 या 0 नहीं लिखा, तो वह पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। इतना सा ही काम है डिविजिबिलिटी बाय 5 में। आशा करता हूँ आपको 5 की डिविजिबिलिटी बड़े अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको यह वीडियो समझ आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।